ब्लॉग बनवे छथिन सपोर्ट करो ई ब्लॉग बनवे छथिन अपन भाषा बनो छथिन हिंदी अपन भाषा देख लीजिए अपन भाषा आप काम कह रहल खिनन सब लोग सपोर्ट करो ढेर सारा प्यार दो भाई के बुझलो। तो ये गाइस देखिए 125 सीसी है, ये हम लोगों का ड्रीम बाइक है। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी, आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो काफ़ी समय के बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा था, बट आप सबकी प्यार की वजह से, इतनी सपोर्ट की वजह से मैं आज फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी आए हैं जीडी कॉलेज, तो अभी जीडी कॉलेज में आए हैं। तो हम लोग आज निकल पड़े हैं जीडी कॉलेज की तरफ क्योंकि विकास वैभव सर द्वारा जो यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया है तो हम लोग उसी में जा रहे हैं एंड हमारे सारे बंदे वहाँ पे जा रहे हैं। आ चुके हैं यहाँ पे जीडी कॉलेज में और यहाँ पे अगा भाई भी आए, देख सकते हैं जिसको आप वीडियो में देखते होंगे, एंड नीतीश भैया भी आ चुके हैं और पूरा अभी आप लोगों को खुश करेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले भैया हम लोग अपनी बाइक को पार्किंग करेंगे एंड हमारे साथ नीतीश भैया और अक्का भाई भी हैं, तो दोनों का बाइक वहां पे पार्क होगा। तो सबसे पहले हम लोग बाइक पार्क करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहां से। तो बाइक लगाते ही हम लोग वेट कर रहे थे अपने विकास वैभव सर का जो कि हमारे जीडी कॉलेज में आएंगे। तो यहाँ पे अक्का भाई और नीतीश भैया भी यहाँ बैठे हुए, जो आप लोग पहचानते होंगे नीतीश चौरसिया जो इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं आजकल। तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे, डायरेक्ट जीडी कॉलेज के अंदर ही जाएंगे। चिकना हो गया, देख सकते हैं कितना चिकना पूरा एकदम। कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? घर जाएंगे, घर जाएगा अभी सुबह 7 बजे। गाइस अभी यहाँ पे अपना बाइक पार्किंग किए हैं क्योंकि जीडी कॉलेज में जगह नहीं बचा था, इसीलिए यहाँ पे पार्किंग किया। और नीतीश भैया हमारे साथ हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो गाइस अभी आए हुए थे नीतीश भैया के साथ जीडी कॉलेज में और उसके बाद इतना क्राउड होने लगा, नीतीश भैया देख सकते हैं इतना फोटो खिंचवाने के लिए सब भीड़ लगाए हुए क्योंकि नीतीश भैया हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ पे देख रहे बहुत सारे भीड़ लगे हैं। तो ब्लॉग बनवे छथिन, सपोर्ट करो ई ब्लॉग बनवे छथिन अपन भाषा बनो छथिन हिंदी अपन भाषा आप काम कह रहा हन, सब लोग सपोर्ट करो, ढेर सारा प्यार दो भाई के बुझलो। चलिए तो चलिए आपको अब बैनर दिखाते हैं उसमें क्या लिखा हुआ, सारे कुछ इसी में लिखा हुआ तो आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नमस्ते बिहार, प्रथम बृहद जन सभा बेगूसराय। तो यहाँ पे देख सकते हैं विकास वैभव सर का फोटो भी लगा हुआ है एंड काफ़ी लोग स्टेज पे भी जा चुके हैं एंड यहाँ पे काफ़ी क्राउड मच चुका है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, काफ़ी क्रिएटर भी आ रहे हैं, बेगूसराय के जितने भी क्रिएटर हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यार अभी चलते निकलते अपने घर की तरफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आ रहा है। तो हम लोगों का बाइक यहाँ पे, बाइक लेके निकलते हैं अपने घर की तरफ। बताए हुए हैं हमें चश्मा लगाइए ना, चश्मा लगाइए, इसको भी लगा लीजिए, नया लुक का ये अलग मॉडल लग रहा है ना, 125 में ऐसा है ना, 125। तो ये गाइस देखिए 125 सीसी है, ये हम लोगों का ड्रीम बाइक है, देखते हैं कब तक पूरा हो सकता है। काफ़ी सपना था कि ऐसा भी आए हुए थे KTM के शुरू और नई नई जो बाइक मॉडल आई है KTM में 250 125 काफ़ी अच्छी लगी। तो अच्छी लगने से तो नहीं होता है क्योंकि ड्रीम बाइक था ये सब एक ज़माने का, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, बट देखते हैं कि कब तक पूरा होता है ड्रीम बाइक का सपना। एंड देखने से काफ़ी बहुत अच्छा लगा, देखे रिव्यू भी अच्छे दिए अंदर में जो KTM के स्टाफ थे। तो अभी फिलहाल तो यहीं पर एंड बाइक अपना थोड़ा खराब हो चुका है, बुलेट में थोड़ा प्रॉब्लम आई है, तो उसको थोड़ा रिकवर करवा रहे हैं। तो पूरा निकाल लेते समझ ले, अभी यहाँ बना दे वजह से।
तो गाइस अभी आए हुए हैं यामाहा का शोरूम आए हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे भी एमटी का और क्या कहता है R15 वर्जन 4 का, देखते हैं कैसा क्या क्वालिटी है, क्योंकि मेरा दोस्त को लेना है, इसको बाइक लेना है। कौन लेगा बाइक रे, R15 की एमटी? ए सर सर प्लीज़ बिग फैन है सर मार। चलिए देखते हैं R15 का और एमटी का, देखते हैं कैसा है। सिल्वर कलर गाइस नहीं है बल्कि रेड में है, और ये बोल रहे थे कि 3-4 दिन में आ जाएगा कलर, तो वही देखने आए, देखते ही लेता है कि नहीं लेता है, बट इसका चॉइस है। R15 अच्छा लगा इसको, और ये काफ़ी प्यारा भी लग रहा है R15 रेड कलर में, वर्जन 4 है ये, देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छा लगा गाइस, देख सकते हो एकदम फुल कंडीशन में बाइक खड़ा है। आ गया, निकल गया गाइस, हो गया बुकिंग सर, बुकिंग हो गया।